वैसे कॉन्सर्ट का ये ट्रेंड कब से शुरू हुआ है पाकिस्तान में? 2000, यू नो you know, वो Pepsi ने एक बैटल ऑफ़ द बैंड्स किया था और सारा कुछ किया था तो उससे पहले अंडरग्राउंड था सारा कुछ अब इजी हो गया ना एक्सेस इजी है इंस्टाग्राम में यूट्यूब पे उनकी फॉलोइंग आई बिलीव इन से मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव गाना लिखना चाहिए पाकिस्तान जीतेगा mm -hmm. कभी नहीं अच्छा गाना लिख पाऊंगा जब तक वो खुद नहीं आएगा यू नो इट हैज टू कम ऑन इट्स म्यूजिशियंस को तो हमेशा से लूटा है इस मुल्क में रॉयल्टी का सिस्टम जो है ना वो पाकिस्तान में कोई नहीं है मराया कैरी का पता एक अमेरिकन सिंगर हर क्रिसमस पे वो गाना गाना उसने छोड़ दिया हुआ एवरी क्रिसमस

हमें आप रॉयल्टी दो वरना हम नहीं चलाएंगे सबसे पहले क्या बंद होगा रेडियो बंद होगा क्योंकि रेडियो तो सुबह से रात तक गाने चलाता है तो रेडियो क्या करेगा रेडियो कहेगा कि यार मेरे तो इतने पैसे ही नहीं कमाता कि मैं आपको भी पैसे दे दूं तो मैं कहूंगा एज एन आर्टिस्ट कि यार आप अपने पैसे पैसे बढ़ा लो मैंने थोड़ी पैसे देने हैं ब्रांड में देने हैं टीवी को एक्स अमाउंट ऑफ मनी दे सकता है तो आपको भी दे सकता है पूरी दुनिया में ही होता है आप दस पैसे ऊपर मांग लो उनसे आर्टिस्ट जब ये बात करेंगे ना कि यार मेरे गाने बंद कर दो ना तो एक नया आर्टिस्ट उठ के आ जाएगा कहेगा यार

असलम حضرات यार बहुत बहुत शुक्रिया आप पॉडकास्ट देखते हैं और यहाँ पर एनालिटिक्स में नंबर्स भी मेरे सामने हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं काफ़ी एंड तक पॉडकास्ट देखते हैं लेकिन एक जो अजीब चीज़ मुझे देखने को मिल रही है वो ये है कि आप में से 79% परसेंट लोग ऐसे हैं जो कि पॉडकास्ट तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे और सिर्फ इक्कीस वो आबादी है जो कि सब्सक्राइब कर देती है तो अब मेरा सवाल और मेरी उसके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए मैं जानना चाहूँगा कि अव्वल तो आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं कोई गलती हमसे हो रही है तो हमें बता दें कमेंट सेक्शन में ताकि हम उसको सही कर लें दूसरा ये कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट ये कि आप सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्रिप्शन से ये फ़ायदा होता है कि हमें अच्छे अच्छे और बड़े बड़े गेस्ट बुलाने में और उनको कन्वेंस करने में और उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने में आसानी होती है तो अभी रिसेंटली हमारी जो पॉडकास्ट गई हैं वो गेस्ट जो थे सिर्फ इसी वजह से आए थे कि हमारी जो चैनल की सब्सक्रिप्शन है वो बड़ी है तो वो आए अदरवाइज़ वो साफ कह रहे थे कि सर हम किसी भी पॉडकास्ट में नहीं जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप पॉडकास्ट देखें तो आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ और जो भी वीडियो है अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएँ अगर पसंद आ रही है तो हमें लाइक के थ्रू बैठाएं उस वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये YouTube एल्गोरिथम इसको रेलिवेंट लोगों को दिखाए और हमें आसानी हो अच्छे गेस्ट को बुलाने के लिए तो चलें आपका बहुत शुक्रिया सुनने के लिए और चले अब चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ जस्ट टॉकिंग टू हिस्स जस्ट बींग स्टूपेड और अभी अभी थोड़े से इंटेंसिव वो करने लगा है राइट बिफोर दैट वो भी बड़े आम हाँ अब जो रोगन का जो रोगन का जो सीन है वो ये जो इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ़ द स्मार्टेस्ट पॉडकास्टर्स आउट ही शट डाउन, ही या फिर तो वो बोल देगा कि मुझे नहीं पता वो बोलेगा जेमी हाँ वो कन्फर्म करेगा बट उसको जिस चीजों का पता है ही कैन प्रॉब्ली मैंने उसको बहुत कम कोई गलत बात करते हुए देखा जैसे जॉर्डन भी पी, जॉर्डन पीटरसन, पीटरसन है।, है अब वो बहुत सी बातें बहुत ठीक करता है लेकिन बहुत सी बातें बहुत ऑफ करता है यू नो बिकॉज वो उसकी चीजें एंड रूटेट है उसकी आप बातें सुने हैं। कुछ बातें उसकी आपको बड़ी सही जाके लगती है लेकिन बहुत सी बातें उसकी ऐसी हैं जो कि बहुत मुझे लगता है कि शायद मै बट hmm. you know? so, uh, kind of, uh, मेरा मानना ये है कि अगर आइडियल्स और वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट आई डोंव स्ट्रॉन्ग हां आपको नहीं लगता कि यार अगर आपको हर चीज़ का पहले से इलम हो जाए और अच्छा खासा इलम हो जाए और जब आप पॉडकास्ट करने लगो इट बिकम्स बोरिंग फॉर यू क्योंकि आपको ऑलरेडी उस टॉपिक के बारे में इतना पता है वो मजा ही नहीं आएगा वो तो क्यूरसिटी है तो इतना पता तो खैर किसी को बहुत शायद उलमा को पता होगा तरह मैंने एक पॉडकास्ट देखी आई सो पॉडकास्ट ऑफर्सिलीम वाली जिससे वो मुझे स्टार्ट में जब वो आए वैसे आपस की बात है मुझे कहा कि यार किस चीज़ पर बात करेंगे मैंने कहा सर मुझे तो नहीं पता कहते यार हर चीज़ का एक मकसद होता है मैंने कहा सर मुझे तो मेरी जिंदगी का मकसद अभी तक नहीं मिला आप तो पॉडकास्ट का मकसद भी मुझे लगता है कि तुम्हें उससे पोर्टल्स के बारे में बात करनी चाहिए थी और टाइम ट्रेवल के बारे में बात करनी चाहिए ही इज़ रियली इन दैट स्टाफ एंड ही गिव्स वेरी सॉलिड बैकिंग इट अगर आपको दिमाग थोड़ा सा खोल के सुनना चाहिए बट इस्लाम में किस तरह उसको एक्सप्लेन किया गया बट मुझे ये लगा कि मुझे ख़ुद नहीं पता इतना इसके बारे में यू you नो know, के आ, मेरा तो ये है कि मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ एक्सपेरिमेंट ये कि बाज अब, अब जिस तरह साहल अदीम वाली पॉडकास्ट लिटरली मुझे सिर्फ साहल अधीम का पता था एज अ अपोरेट ट्रेनर और एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और उनका गालिबल एक होम स्कूलिंग का एक प्लेटफॉर्म है सोर्स कोड के नाम से दैट्स इट कम्प्लीटली वेंट इन द पॉडकास्ट कम्प्लीटली ब्लाइंड और मैंने कहा यार लेट्स डिस्कवर इट ऑन द गो सही है तो उसके लिए मेरी तैयारी नहीं थी और इफ़ एंड आई फील लाइक कि ऐसे लोगों को जब आप बुलाएं तो आपकी पूरी रिसर्च हो उन पर कि यार आप उनसे यारीसर्चना बड़ी जरूरी है मैंने मैंने जिंदगी में जब मैं म्यूज़िक किया करता था मैंने बड़े इंटरव्यूज़ दिए और उस वक्त इंटरव्यूज़ का जमाना क्या होता था यानी कुछ भी ज़्यादा नहीं होता एंड दे वो एनी थिंग अबाउट मी आई फाउंड इट वेरी डिस्करेजिंग कि यार वो ब्रेक होती थी मुझसे पूछे थे अच्छा मैं क्या पूछूँ आपसे अच्छा आपकी कोई चीज़ आ रही है जिसके बारे मैं पूछ so, में पूछूँ ये सो वो मॉर्निंग शोज और डिफरेंट इंटरव्यूज में लोगों को कुछ पता ही नहीं होता है कि आपकी क्यों यू नो इट्स ओनली इंटरेस्टिंग वैन यू टेक इंटरेस्ट इन दी अदर पर्सन और क्या कह रहे हैं बट टेकिंग इंटरेस्ट इन दी अदर पर्सन एंड हैविंग अ डिबेट विद आर टू डिफरेंट थिंग्स ना वेरी डिफरेंट थिंग्स एंड टॉकिंग टू हेम अबाउट द कॉन्सेप्ट अबाउट

आज शोहल में हमने पहली मरतबा लगाई ऐसे ना हो कि ऑडियंस को ले ये लगे कि हम प्रमोट कर रहे हैं सारे छुपके पीते हैं लेकिन बताता कोई भी नहीं है <laughs> तो सर वाई यू कुड सिंगिंग यार क्योंकि मैं बहुत कमाल सिंगर नहीं हूँ और मुझे लगता है कि मेरी एनर्जीज कहीं और लगनी चाहिए और बात तो वही है ना स्टोरी टेलिंग की है चाहे आप गानों के थ्रू बता रहे हैं चाहे आप विजुअल्स के थ्रू बता रहे हैं

लोगों के लिए लिखते हैं करते हैं, के यार नहीं। लिरिक्स लिखते हैं। आ, बहुत कम जिस कुछ फिल्मों के लिए लिख दिए गाने भाइयों के लिए लिख दिए कुछ गाने उसके अलावा नहीं तो आपको लगा कि आपकी आवाज अच्छी नहीं है या आपकी प्रॉपर एजुकेशन सिंगिंग में नहीं हुई तो भी नहीं हुई आज तक एजुकेशन वाली साइड हो किसी में भी किसी चीज में भी मैंने आपकी पढ़ाई में मैंने बैचलर्स किया था मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग में बहरिया से गाने का स्टोरी टेलिंग का और ये कंपोजिंग का और ये डायरेक्शन का शौक पर कैसे बीइंग समबडी इन मार्केटिंग फील्ड राइट के यू हैव टू सेल 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 एंड एंड बीइंग कॉर्पोरेट में आपकी जॉब लगनी है बैंकिंग सेक्टर में या किसी कॉर्पोरेट के मार्केटिंग वाली साइड पर नाइन टू फाइव नहीं होती मुझसे नाइन टू फाइव नहीं कभी की है हाँ हाँ की है बड़ी अच्छी की है uh, right yeah, right मुझे अपनी डिग्री लेने के लिए इंटर्नशिप चाहिए थी uh -huh. जानने वाले थे वो तब होता था पाकटेल वो जोंग में शिफ्ट हो रहा था तो वहाँ पे मुझे इंटर्नशिप मिल गई वो इंटर्नशिप टर्न इन टू अ जॉब मैं कभी वापस एम के लिए ही नहीं गया वहाँ पे तीन चार साल नौकरी की असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर था मैंने कहा यार ये नहीं करना मुझे बस अब मैं गलत मुझे लगता था मैं गलत साइड का टेबल हूँ you यू नो know, एजेंसी उधर बैठ के क्रिएटिव आइडियाज़ बता रही है मुझे लगता था यार मुझे एजेंसी वाले भी बोलते थे <laughs> yeah, तो कह नहीं मुझे, मुझे आता था मज़ा और मुझे लगता था कि मैं शायद उस साइड पे जाऊंगा फिर मैंने एजेंसी एंड साची, साची एक एजेंसी है मैंने वहाँ पे तीन चार साल लगाए mm -hmm. फिर uh, मेरे अंदर एक प्रॉब्लम uh, है कि मुझे वो कीड़ा होता है कि वो वाट एफ वाली जो फीलिंग है ना वो मुझे नहीं चाहिए कह रहे हो ना वेक माई सेल्फ का नहीं कहा ट्राई तो करना है सो so, बस वो उस वजह से फिर मैंने एजेंसी भी छोड़ दी और एजेंसी वॉज वर्किंग और बट मुझे सिंगिंग वाला जो है गिग आपका ये चल रहा था ड्यूरिंग फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी लाइफ या ड्यूरिंग एक्चुअली फ्रॉम माय कॉलेज डेज ओह बैक इन 2001 एंड 2 व्हेन आई वाज इन माय कह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो तब भी मैं अपने दोस्तों के साथ जो है ये चीज़ें शुरू हो गया था करना सो so, अच्छा था शुगल था मज़ा आता था और आहिस्ता आहिस्ता सीरियस हो गया कॉन्सर्ट्स का इतना सीन नहीं था बट मिलने लग गए वैसे कॉन्सर्ट का ये ट्रेंड कब से शुरू हुआ है पाकिस्तान में अराउंड द सेम टाइम आई गेस बैक इन टू थाउजेंड दोके you know, mm -hmm. तो लिए बेसमेंट में होना <laughs> है हम लोग तो ममटी पे होते थे बेसमेंट नहीं था तो हम अपने ड्रमर की ममटी पे होते थे और गर्मी में मर रहे होते थे लेकिन ये था कि डिड ओवर आई थिंक एट अ रफ एस्टिमेट आई थिंक वी डिड ओवर थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड फिफ्टी परफॉर्मेंसेजा पिंडी पिशावर इधर उधर जाके करते थे बट एल्बम um, भी निकाली बहुत लेटर ऑन बट um, वो बस एक एक था शौक था करना था आफ्टर थ्री हंड्रेड परफॉर्मेंस राइट बट उस वक्त परफॉर्मेंस क्या होती थी उस वक्त यानी कि परफॉर्मेंस उसमें से सत्तर अस्सी कोई प्रॉपर कॉन्सर्ट्स होंगे और बाकी जो थे वो इस तरह होता था कि एक जगह होती थी इस्लामाबाद में सिविल जंक्शन के नाम से सेवन hmm. गोल मार्केट में वहां पे हम लोग परफॉर्म किया करते थे एवरी अदर लोग आ जाते थे सुनते थे नहीं नहीं पेड गिग कोई नहीं होता था कम ही होते थे वो जो कॉन्सर्ट्स होते वो पेड गिग होते थे लेकिन उस वक्त भी इतने कुछ पैसे नहीं मिलते थे जब तक आप कोई बहुत बड़ा नाम नहीं हो यानी कि उस वक्त भी जो बैंड थे वो कौन थे आर ओ आया था ई पी आया था इस तरह के बैंड थे

बैंड की थोड़ी सी फॉलोइंग थी यहाँ पे इस्लामाबाद में ऑनलाइन काफी फॉलोइंग थी लेकिन उस तरह से शोज का ट्रेंड नहीं था और उस जमाने में वीडियोज बड़े ज़रूरी होते थे यू फेमस। mm -hmm. the, uh, उस वक्त कोई इस तरह का स्पॉन्सर वगैरह या इन बड़ी बहुत कम थे लाइक आई सेट बहुत कम थे uh, हर कोई आया उसने music, musicians और music को लूटा ही है अच्छा हाँ। When you say लूटा है किस तरह मतलब यानी कि जो लेबल्स थे उन्होंने भी लूटा जो uh, uh, event organizers थे उन्होंने भी लूटा। हर एंड आजकल ट्रेंड बदल रहा है अब तो बहुत बदल रहा अब easy, access easy है अब ईजी एक्सेस ईजी हो गई है ना? एक्सेस टू मेकिंग अ सॉन्ग प्रोड्यूसिंग सॉन्ग बिकम मच ईजी है पहले तो आपको प्रोड्यूसर ढूंढना पड़ता था उसके पास सारी चीजें जाके लाइव रिकॉर्ड करनी पड़ती थी उस जमाने में विच इज़ नॉट दैट लॉन्ग अगो ट्वेंटी ईयर्स अगो टू डेटो इट वॉज मच डिफिकल्ट अब टैलेंट भी ज़्यादा सामने इसलिए आ रहा है जिस तरह आप देख रहे हैं हर कोने से टैलेंट निकल mm -hmm. के आ रहा है यू नो लाइक दिस होल न्यू ट्रेंड ऑफ म्यूजिशन गुड टैलेंट हमेशा से बहुत था पाकिस्तान में हमारी यूनिवर्सिटी में इतने लड़के थे मुझे याद है एक लड़का था जो कि फिर सैद कॉलेज का था पिंडी का तो वो उसके कोई दोस्त यार थे बहरिया में वो अक्सर आ जाया करता था बैरिया और हम लोग बुझा रहे थे तो वो कह रहा था गाय यू नो लाइक उसको देख के पठान था और खूबसूरत आदमी था करिस्मेटिक था पढ़ा लिखा था क्या आवाज़ थी उसकी यार हम वैसे जैम कर रहे होते थे गिटार हर वक्त यूनिवर्सिटी में होता था तो वो आके बैठ जाता वो मैं कहता यार कुछ भी हो तुझे कुछ करना चाहिए बट वो ही वॉज ऑल्सो हाफ कुरान और उसके घर वालों की बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी थी कि नहीं ये काम नहीं करना और फिर बहुत से ऐसा टैलेंट जो वो कभी सामने ही नहीं आया वो ऐसे यानी कि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो कितना कमाल गाते थे क्या आवाज़ें थी उनकी बट फैमिली प्रेशर की वजह से लोग कहते थे कंजर बन जाओगे जाओ बन जाओगे ये जाए

शायद बड़ी कोई ओपन फैमिली नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था मेरे स्ट्रगल्स यू फेस्ड इनिशियली जब आपने अपने पेरेंट्स कहा होगा कि okay यार मैंने नहीं बताया था नहीं बताया था नहीं 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 मैं मैं घर से बोलता था मैं दोस्त के घर पढ़ने जा रहा हूँ बैग में मेरे पास कपड़ों का चेंज होता था और मैं जाता था जाके चेंज करता था अपने दोस्त के घर और फिर मैं कॉन्सर्ट करता था और फिर मैं वापस दोस्त के घर जाता था वापस चेंज करता था और फिर मैं घर आ जाता था लाइक घर वाले समझते थे मैं कहीं और हूँ और मैं जाके कॉन्सर्ट करता था के okay, यार आप, आप जो है गाने गा रहे कर रहे हो हो कर जब मेरा गाना रेडियो पे आया तब रेडियो बड़ा होता था एक काफ़ी बड़ी चीज़ हुआ करता था रेडियो और कुछ साइट्स होती थी अंडरग्राउंड म्यूज़िक रेवोल्यूशन के नाम से एक साइट थी यू एम आर पी एम आर इस तरह की साइट्स थी उन पर टॉप टेन लगा करते थे फिर एफ एम के डिफरेंट चैनल्स वन ओ वन नाइनटी नाइन ये लोग शोज किया करते थे और टॉप टेन हुआ करता था अब तो टॉप टेन का को ही नहीं ना कोई टॉप टेन नहीं होता अब तो उस उन टॉप टेन में आ गया तो मैं सुनना करता था कि क्या तो एक दिन अम्मी ने सुन लिया उन्होंने कहा कौन गा रहा है मैं गा, मैं गा रहा हूँ अमीने के अबू को पता लगा वो बहुत नाराज हो गए <laughs> अच्छा डांट बड़ी थी उस दिन ओ, जब डांट बड़ी पड़ती थी मारे पड़ती थी डांट पड़ती थी आई वॉज नई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट आइदर सो आई वॉन्टेड टू गो टू एन सी ए

बट वो चलता रहा फिर वीडियोस आ गए फिर जब कुछ लोग जानने लग गए कुछ लोग बोलने लग गए कि वो ये टीवी पे देखा था फिर अबू को जाके पता लगा कि शायद अगर लोग बात कर रहे हैं तो कुछ ठीक ही कर रहा mm. होगा बट इट वॉजन लाइक एन ओवर नाइट सक्सेस एनी थिंग स्ट्रगलिंग वी वी वर वर नेवर बिग वी वर ओके लोकल सीन में हम लोग का अच्छा तो आपकी आप स्ट्रगल ने हेल्प आउट किया आपके भाइयों की राह I... करने में या नहीं उन्होंने अपनी स्ट्रगल्स देखी उन्होंने अपनी स्ट्रगल्स देखी उन्होंने अपनी से ऑफकोर्स जो पहला बंदा जो एक होता है एक फैमिली में जो एक काम पहली दफ़ा लेके आता है उसको जरा ज़्यादा क्रिटिसिज्म पड़ता है मुझे डांटे बहुत पड़ती थी जब वो लेट आते थे जब वो कुछ और करते थे लेकिन मुझे लगता है कि उनकी भी अपनी स्ट्रगल्स थी उन्होंने भी अपना बहुत कुछ यानी कि वो और वो दोनों अच्छे स्टूडेंट भी थे मैं तो अच्छा स्टूडेंट नहीं था ना mm. <laughs> वो दोनों पढ़ाकू थे सो आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट में बी माइनस टाइप का स्टूडेंट था सपलियों हो फेल होता था हर जगह सो बट मुझे था कि यारछली को अगर आप दरख्त सकाएंगे तो क्या करेंगे बट uh, अगर मैं आपसे पूछूंगा आपके क्राइटेरिया क्या होंगे एक अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस करने के लिए अच्छी आवाज अच्छे लिरिक्स अच्छी प्रोडक्शन लाइक Um, देखिए पहले वाला जमाना और था मेरी इंस्परेशन और थी मैं मेरा जो मैं गाने सुनता था वो डिफरेंट थे अब जो लोग गाने सुन रहे हैं वो डिफरेंट सुन रहे हैं अब शायरी जो है उसको रिप्लेस कर दिया है हुक्स ने यू नो you know, कि पहले हम लिरिक्स सुना करते थे और हम बात सुना करते थे कि यार वाइटल साइंस के इस गाने में शुब मंसूर ने गाना लिखा है उसमें क्या लिखा है यू नो अगर जुनून जो है वो बाबा बुल्ले शाह के कलाम का रॉक सॉन्ग बना रहे तो क्या सूफी रॉक क्या है उसके पीछे क्या सोच है अगर बाहर के जो बैंड्स हैं वो कौन सी टर्म में गुजर रहे हैं ग्रंज रॉक क्या है क्लासिक रॉक क्या है लट जैप्लिन ने क्या गाने गाए यू नो लाइक उसके अंदर बातें होती थी अब ए कम ऑन रूट बॉय बॉय डोंट यू गिव इट अप इस तरह की बातें और मैं पिछले दिनों की देख रहा था कि उस वक्त का जो नंबर वन सॉन्ग था सिक्सटीज़ का सेवनटीज़ का एटीज़ का इवन अप टिल नाइन्टीज़ का के लिरिक्स लिरिक्स होते थे अब जो है वो हुक्स हैं और बीट्स हैं एक वो तो वो ऑडियंस भी चेंज होगी सो नो वन फॉर्मूला दैट यू कैन फॉलो एंड यू कैन से यार ये चलेगा इट्स ऑल अबाउट द कंज्यूमर कंज्यूमड यू कैन मेक टू ऑफ 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 म्यूजिक 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 यू 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 कैन कैन मेक 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 द द काइंड दैट टू और द पीपल टू लिसन वट द पीपल वॉन्ट टू लिसन टू इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड यू कैन नेवर प्रिडिक्ट अट अगर ये होता है तो लोगों को बड़ा आसान होता हाँ कुछ लोग थे जो कि म्यूज़िक थियरी के ऊपर उन्होंने बड़ा काम किया बीटल्स ने बड़ा काम किया इस चीज़ के ऊपर और कुछ ऐसे कॉर्ड्स हैं जिनका जिनकी फ़ील कुछ ऐसे कुछ ऐसी प्रोग्रेशन है जिनकी फील बड़ी वार्म है कुछ ऐसे प्रोग्रेशन है जिनकी फील बड़ी कोल्ड है डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ कॉन्टेंट ऑफ़ द सॉन्ग संग आप क्या कहना चाह रहे हैं उसके लिहाज से यू वुड चूज़ एंड यू वुड यू नो कुछ बीट्स हैं जो कि यानी कि टेम्पो है एक सौ दस एक सौ बीस का टेम्पो है जो कि जिससे आपकी बॉडी रेजनेट करने लग जाता है उस you know? hmm. so, उस तरह के, उस तरह के की साइंस भी है पीछे लेकिन यू नेवर नो गोइंग टू बी बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल नहीं। एक से कनेक्ट करना जरूरी hmm. yeah. <laughs> फीफा का वर्ल्ड कप होते हुए जब आपने वो गाना सुना के स्टेडियम में लगा और सारी दुनिया मेरे तो रोंठे खड़े हो गए मैंने कहा यार ये यानी कि एक बंदा उसने कहीं अपने घर में रिकॉर्ड किया होगा वो एक गाना है कैफी खलील mm. you know, कहानी सुनो कहानी सुनो, सुनो। कितना का गया मैंने पहली mm. दफा वो गाना सुना मैंने कहा यार इसके लिरिक्स ओके हैं शायद थोड़े से चीजी भी हैं बट वो गाना मुझे जुड़ गया तब वो हिट नहीं हुआ था गाना तो मुझे याद है मैं मोटरवे पे जा रहा था वो रैंडमली मेरे स्पॉटिफाई पे आ गया और मेरे साथ मेरा दोस्त था तो मैंने उसको बोला मैंने कहा ये गाना हिट हो जाएगा सो so, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें वो मिल के वो सारी चीज़ें मिल के बहुत कमाल प्रोडक्शन नहीं है शुरू का जो उसके अंदर और वो उसका सेकेंड वर्जन था कहानी सुनो टू पॉइंट उसका नाम था क्योंकि पहला वर्जन था वो बिल्कुल माठा था फारे था उन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन चेंज की फिर भी को बहुत कमाल यानी कि जो वायलेंस बजे हुए शुरू में वो पता लग रहा है कि वो कोई एक नॉर्मल सा कीबोर्ड के ऊपर इफेक्ट लगा के बजाए हुए हैं बट वो सारा कुछ मिल के कुछ ऐसी चीज़ बन गई कि जिसने कनेक्ट कर लिया बंदे के साथ सो so, हिट हो गया जैसे आदत आपने पहली दफ़ा सुना तो आपने कहा यार ये गाना हिट है जब वो बना रहे होंगे तो आतिफ को तो नहीं पता होगा गौहर का तो नहीं पता होगा क्या बना रहे हो लोग और पहले ज़माने में ये बैंड्स का कल्चर बड़ा हुआ करता था अब अब आर्टिस्ट इंडिविजुल आर्टिस्ट हो गए आपको लग रहा है कि वाई द बैंड आर नाट कमिंग दैट मच इन द मेन स्ट्रीम और इंडिविजुल आर्टिस्ट आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं

बाकी सारे गिटारिस्ट या जो हैं हमें देखा होगा बहुत से बैंड डिसबैंड होने के बाद सिंगर कहीं चला जाता है गिटारिस्ट कहीं चला जाता है और बीच में से कोई एक बंदा निकलता है जो कि बड़ा खुद देखे ना अगर आ... क्यों नहीं बन रहे या क्यों बैंड टूट जाते हैं इतफाक नहीं होता जेलिस फैक्टर होता है जल था ना जिसमें आतिफ असलम था फिर वो टूट गया फिर आते फसलम अलग हो गए और जो बाकी तीन चार दोस्त थे वो अलग उन्होंने बेसिकली वो दो ही थे हाँ। आते फॉर गोहर थे और यानी कि उन दोनों की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो भी थी आपस में वो लोग अच्छा ज्यादा जो है वो पब्लिक लाइट मिल रही है दूसरा थोड़ा शेडो हो रहे हैं ये वाला फैक्टर तो नहीं है कि यार ये तो वही बताते बेहतर बता सकेंगे आते फॉर गोहर के उनके एवरी रिलेशनशिप इज यूनिक

किस तरह की पॉडकास्ट करनी है उन तीनों को एक पेज पे आना बड़ा जरूरी है बट वेन योर दी ओनली वन मेकिंग मेकिंग द कॉल्स एंड यू नो श्योर के क्या डिसीजन मेकिंग किस तरह क्या उसके पीछे सोच है इट बिकम्स ईजी फॉर यू ना देन टू डील विद टू अदर पीपल चाहे उनके ख्याल आपसे क्यों ना हंड्रेड परसेंट मिलते हो बट स्टिल यू विल हैव डिफरें राइट सो जिसमें देख लें आपका आपके बच्चे हैं यस yes. आप देखें आ, उन बच्चों को किस तरह चलाना है क्या पहनना पहन है नो no, वो तो एक बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते रहे बट मैं आप एज अ पेरेंट कह रहा हूँ पार्ट ऑफ यू विच इज़ योर वाइफ राइट सो वो क्या पहन रहे हैं क्या खा रहे हैं आपके जहन में कोई और चीज़ होगी उनके जहन में कोई और चीज़ होगी भला दोनों चाहते हैं बच्चे का यू नो बट इस बात पे आर्गुमेंट भी हो जाती है कभी कभी सो एवरी रिलेशनशिप इज़ यूनिक चाहे वो कुछ भी हो हर बंदा यूनिक है उसको किस तरह उसने उसके लिए डिसाइड करना है सो इफ इफ़ गॉड फॉर बेड कोई भी सिंगल पेरेंट हो उसके लिए शायद ये आसानी होती है कि वो उसको बेगम से खिंच खिंच नहीं करनी हाँ भाई ये पहनाना है ईद आ रही है शबरात नहीं। नहीं। आ रही है शादी आ रही है ये पहनाना है सुबह ये खाना है रात को ये करना है होमवर्क कितने बजे करना है स्कूल इस वाले में डालना है यू नो बट वैन इट बिकम्स लाइक अ टू परसन डिसीजन then there are complications. so when similarly with a band when there's a band it's it's a four or five person or three person decision. when it's a single person then you can make whatever kind of music you want to. the other person might hmm. doesn't matter. you are calling the shots. so it Haan. becomes easier. क्योंकि एक क्रिएटिव इंडस्ट्री है ना तो हर बंदे का माइंड डिफरेंट तरीके से काम करता है. हर बंदे की क्रिएटिव जो फ्रीडम है या क्रिएटिविटी है वो एक दूसरे से मुक्तालेफ है. शायद एक चीज एक बंदा एक चीज अकम्पलिश करना चाहता हो दूसरे के जहन में कुछ और बहुत से ऐसे गाने थे जो कि मैंने लिखे माई बैंड नॉट वॉन्ट टू मेक दो सॉन्ग्स बिकॉज यार दिस इज नॉट अर साउंड और वो लेटर ऑन पर किसी और ने की और वो गाने बड़े हिट हो गए सो इज के इट वेन योर अगल पर्सन यू नो लाइक अर्टिस्ट यू कैन टेक दोज कॉल्स यू नो कि यार मैंने अब ये एक्सपेरिमेंट करना है ये करना so इस तरह से बैंड्स में मसला होता है और टॉलरेंस वैसे ही कम होता जा रहा है लोगों के अंदर mm -hmm. बट uh, है आजकल तो मैं किसी बैंड को नहीं सुनती mm -hmm. कोई भी मैं बस हर तरह के आर्टिस्ट सुनता तो हूँ मुझे पुराने बैंड से अभी तक लगा हुआ है बहुत कम है कि मैं नए बैंड्स को प्रॉपरली फॉलो कर रहा हूँ बहुत हो गया कोल्ड प्ले को सुन लिया फू फाइटर्स you know, को सुन लिया पता नहीं वो भी अब वॉर म्यूजिक करते हैं कि नहीं करते एंड इज इट हैं और इज इट कॉमन राइट के या शायद मैं ही हूं कि बस सिर्फ वो धुन अच्छी लग गई वो म्यूजिक अच्छा लग गया शायद लिरिक्स की समझ भी नहीं आ रही बट ओवरऑल म्यूजिक बड़ा इंटरेस्टिंग है तो चलो उसको कोई एक चीज चाहिए ना अब यानी कि साइंस भी कहती है कि रेपटेशन सेल्स इन म्यूजिक अगर आप जितने भी जितना आसान होगा ना

I never wanted इट फेम आउट ऑफ इट आई wanted to डू म्यूजिक जिस वक्त मेरा बैंड के लोग आगे पीछे हो गए तो मैंने कहा यार अब ये मैं इसकी जगह लोगों को रिप्लेस कर सकता हूँ बट ये वो बैंड नहीं रहेगा जो लोग आके पीछे हुए दे हैव लाइक डिफरेंट गोल्स इन लाइफ के कोई एक पर्टिकुलर कोई बाहर जाना चाहता कोई था। कोई UK चला गया पढ़ने के लिए कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया कोई लाहौर चला गया लंबे पढ़ने के लिए कोई नौकरी के लिए तो मैंने कहा यार मैंने अपने लोगों को रिप्लेस नहीं करना यू नो एक यूनिट थे कभी कभी uh, so हालांकि गाने सारे में ही लिखता था कॉम्पोजिशन mm -hmm. सारी मैं बनाता था मैं चाहता हूं अकेला कर सकता था बट इट फॉर मी देट वॉज जस्ट लाइक वन थिंग फिर मैंने एक और यानी सोलो भी कुछ गाने रिलीज किए बट मैंने उस तरह से नहीं किया फिर मैंने सोचा कि यार इट्स 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 विद इन मी कि मैंने गाना बनाना है लिखना है कंपोज करना है वो मैं रुक नहीं सकता वो मुझे एक चीज़ एक आमद आती है तो मैं कर लेता हूँ अच्छा है बुरा है जो भी है बट मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं रिलीज़ कर देता हूँ कभी कभी, कभी 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 लेकिन रिकॉर्ड ज़्यादा करता हूँ पंद्रह बीस गाने पड़े हुए हैं जो कि मैं चाहूँ मैं कल एल्बम निकाल दूँ लेकिन बिकॉज गाना लिखना एक अलग साइंस है और उसको गाना

बस वो एक आमद होती थी कि यार लाइक अ टाइम टाइम यार मैं सुबह के जब कोई ना हो या रात नहीं, का टाइम जब सारे बच्चे तो, रात के टाइम पे ही होता था जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं you know, आ, उस वक्त आपको कोई भी दुनिया का शोर शराबा तंग नहीं कर रहा होता मोस्टली मैं गाने रात में लिखता हूँ अकेले में लिखता हूँ ये एक है लेकिन कोई जरूरी नहीं है शाम में भी लिखे हैं दोपहर में भी लिखे हैं तन्हाई चाहिए होती है टू

You know, शन की बात है तो वो इंस्परेशन किसी चीज से भी हो सकती है किसी के दुख से हो सकती है किसी की फौदगी से हो सकती है किसी का बच्चा पैदा हो गया उससे हो सकती है सो so, कोई पोलिटिकल हालात से हो सकती है मैंने गाना लिखा था जब नूर मुकदम का मुझे पता लगा था नो हेड आई वज सुम एज अ पेरेंट आई वज थिंकिंग अबाउट वट द पेरेंट्स प्रॉप यून थ्रू और मैंने गाने उसमें कहीं भी नूर का नाम नहीं है कुछ नहीं बट वो एक जो इमोशन था वो उस चीज़ ने जगाया कि यार ये एक चीज़ है सो एक मेरे दोस्त थे उसके वाल साहब फौत हो गए थे तो उसके सर से जब एक बाप का साया गया तो उस इमोशन ने एक चीज़ जगाई मेरे अंदर तो मैंने उसकी सोच में सोच के कुछ लिखा मैंने प्लान नहीं किया था मैं लिखूँगा वो खुद ही आ जाता है आई डोंट नो अब हर कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको आप कहते हो कि यार मुझे ये गाना लिखना है इस चीज़ के बारे में लिखना है उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए मैंने किया है वो फॉर ब्रांड्स भी किया है फॉर फ्रेंड्स भी किया है कि यार जश्न आज़ादी पर गाना लिख दें या फिर फिल्म का ये सीनारी है इसके ऊपर कुछ गाना लिख दें मैंने किया है वो लेकिन वो कोई बहुत मुझे कमाल चीज़ें नहीं लगी नहीं। वो फिर एक ब्रीफ बन जाती है और वो एक जॉब बन जाती है लेकिन जो प्रॉपर गाना लिखना होता है वो मैंने कभी भी कि ये नहीं कि यार अब पी के ऊपर गाना, <laughs> <नहीं। आज़ी laughs> गाना लिखना के ऊपर गाना लिखना तो बैठ के लिखने के लिए नो मैटर हाउ हाउ स्ट्रांगली आई बिलीव इन समथिंग लेट्स से मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ ठीक है ना और मैं कहता हूँ कि यार मुझे गाना लिखना चाहिए पाकिस्तान जीतेगा <laughs> मैं कभी नहीं अच्छा गाना लिख पाऊंगा जब तक वो खुद नहीं आएगा यू नो इट हैज टू कम ऑन इट्स ओन और नॉर्मली क्या प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ जो टाइम ड्यूरेशन क्या आप रात को बैठे आप अपने एक जोन में हो बैठे हुए डिस्ट्रैक्शन मिनट में भी तक, लिख सकते हैं मिनट में भी, पांच भी लिख सकते हैं आई आई डोंट नो यू हैव इन लिटरली मिनट्स यस अ सही तो एक गाना वो कर रहा था ऑलरेडी उसने कहा कि एक और गाना लिखना है आई कैन टली कम अप विद एनी थिंग एंड आई नीड समथिंग फन समथिंग पॉपी बिकॉज दी अदर सॉन्ग वॉज काइंड ऑफ लाइक अ मेलो लव ट्रैक सो आई नीड समथिंग हैप्पी सो आई गोट अ कॉल आई वाज ड्राइविंग एट द टाइम एंड आई रिमेंबर आई वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ सेंटोरस तो के ऊपर जो ब्रिज नहीं चढ़ता mm -hmm, सामने mm -hmm. उस ब्रिज पे चढ़ने से पहले मैंने कॉल बंद की जब मैं ब्रिज से उतरा तो पूरा गाना <laughs> डाउनलोड हो चुका हुआ था क्रेजी गिफ्ट फ्रॉम गॉड आई थिंक एंड पता नहीं कितना अच्छा गाना है वो नहीं है मुझे तो अच्छा लगता है mm -hmm. लोगों को भी अच्छा लगता है बट uh, वो यानी विद इन द स्पैन ऑफ टेन सेकेंड्स आई हैड एवरी लिरिक इन माई हैड

लव का हर पहलू हेट का हर पहलू जुदाई का हर पहलू कुर्बत का हर पहलू हम बता चुके हैं किसी ना किसी फॉर्म में अब उसको रीअरेंज किस तरह करते हैं योर क्रिएटिविटी कोई नया तरीका नहीं निकाल लूंगा कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं जितना ये एश्च्रे करता है क्रिएटिविटी कम्स इन when you take those thoughts and you rearrange them, hmm. so the song मुझे वो गाना जब मैं अब भी सुनता हूँ तो मुझे उसमें बहुत से गानों की इंस्पिरेशन नज़र आती है क्योंकि वो मेरी इंस्परेशन हैं हो सकता है कोई और सुने उसको वो चीज़ें ना सुनाई दें मुझे जोहे बसन सुनाई देता है उस गाने में यू you नो know? मुझे पुराने इंडियन गाने सुनाई देते हैं उस गाने में बट दैट इज द इंस्परेशन दैट आई हैव अक्यूमिलेटेड ओवर द ईयर्स एक नॉलेज है ना आप एक राइटर हैं आपने सौ किताबें पढ़ी हैं जब आप अपनी किताब लिखेंगे आप उसी में से जिन चीज़ों ने आपको इंस्पायर किया है उन्हीं में से कुछ लिखेंगे न सो बट हाँ इज एट अपी ऑफ एनी सोंग आई डोंट थिंक सो कोई कोई ऐसी उसकी नॉट दराई नो ऑफ कोई ऐसी उसकी लाइन उसके बाद आप डायरेक्शन में आ गए थे डायरेक्शन में तो मैं बहुत पहले से आ गया था बिफोर सिंगिंग नहीं नहीं हाँ नहीं आफ्टर सिंगिंग बट मैं समझा इस गाने के हुँ, उसके हाँ डायरेक्शन में बट उसके पीछे मोटिवेशन क्या थी क्या आपने कहा यार चलो मेरी चलो बैंड भी इधर उधर हो गया है और चलो नहीं वो डायरेक्शन थिंग आई बिन वेरी ब्लेस्ड अलहमदिल्ला विद दिस थिंग कुछ चीज़ें हैं जो मैंने करना चाही हैं जिंदगी में और वन वे ऑफ दी अदर गॉड पुट्स मी ऑन दैट पाथ

उस फिल्म ने मेरा दिमाग उड़ा दिया था वो फिल्म थी बैक टू द फ्यूचर बट आई वॉज टू यंगल करता था एन टी एम टी एन एन टी एम एन टी एन एक एन टी एन हुआ करता था एन टी एम एन टी एम ने पता नहीं क्या एन टी एन था एन टी एन था नेशनल टेलीविजन नेटवर्क हाँ सो वो एस टी एन और एन टी एन शाम के सात बजे शुरू हो जाता था हर वीकेंड पर था था। yes. so, मुझे याद हैड लगा करती थी मूवीज तो उस एक वीकेंड पे कोई ईद थी तो इन्होंने दोबारा बैक टू तो द फ्यूचर चलाई थी उस जमाने में वो लोग बड़ी कमाल कमाल फिल्म लगाया करते थे जब कोई इस तरह का था हावर्ड द डक उन्होंने लगाई थी बैक टू तो द फ्यूचर लगाई थी इस तरह की काफ़ी सो आ, बैक टू तो द फ्यूचर मैंने दोबारा देखी जब दे मैं यहाँ पे आ गया था दस साल कहूँगा तो मुझे याद है मैंने कहा मैंने फिल्म ये अमेरिका में भी देखी थी मुझे याद है और वह जब मैंने वो फिल्म देखी ना जो मेरे साथ मेरे भाई बैठे हुए थे उन्होंने कहा यार हमने माड़ी मेकफ्लाई बनना है यू नो लाइक वी टू इन द टाइम मशीन यार ये स्टीवन स्पीलबर्ग कौन है जो ये कहानियां सुनाता है ये बंदा कौन है मुझे ये वाव क्रिएट करना है अपने इर्द गिर्द नो जो इर्द गिर्द सारे जो मेरे बैठे हुए थे ना वो जो उनका एक वो था मुझे ये चीज तो हु इज दिस गाय स्टीवन स्पीलबर्ग मैं वो एक शो आया करता था अमेजिंग स्टोरीज के नाम से एन टी एन पे उसके एंड में भी स्टीवन स्पीलबर्ग का नाम जुनेसिक पार्क आई थी उसके एंड में, में, में भी स्टीवन स्पीलबर्ग का नाम ई देखी उसके एंड में भी स्टीवन यार मैं जो चीज़ देखता हूँ ये स्टीवन, स्टीवन स्पीलबर्ग मेरे सामने आ जाता है वो मेरी मेरा दिमाग जिस चीज़ से उड़ जाता है उसके एंड पे मैंने ये बात नहीं बनना है मुझे mm. बाद में पता लगा कि जो बैक टू तो द फ्यूचर थी वो उसमें यूज़र प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो था वो रॉबर्ट मैकस था और राइटर जो था वो बॉब गेल था और एक और था सो so, कहने का मकसद ये है कि

सो hmm. so, वो बचपन से एक शौक था फिर मैं जब चीज़ें देखता था तो मैं और ज़्यादा इंस्पायर होता था टर्मिनेटर देखी हुई उसमें यार क्या कमाल है सो so, वो चीज़ एक बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और फिर वैन इट केम टू म्यूजिक म्यूजिक वॉज आई रिम्बर मैंने थ्रिलर तो, की कसेट खरीदी थी तो थ्रिलर के एंड में ना उसके सेट में एक म्यूजिकल था सिर्फ थ्रिलर का जो माइकल जैक्सन का आवाज नहीं थी उस पर सिंग आप गए यू नो उसके सेट के अंदर था वो तो मैं वो लगा के उसके साथ गाया करता था गाया करता था पूरा थ्रिलर याद करके मैंने गाना उसके साथ और मुझे जब मैं थ्रिलर सुन रहा होता था तो मुझे मेरे जहन में पूरा विजुअल चल रहा होता था थ्रिलर की मैंने वीडियो नहीं देखी थी क्योंकि हमें इजाज़त नहीं थी बिकॉज उसमें वो वेयरवुल्फ बन जाता है और, कभी जोम्बी बन जाता है और फिर वो सारा कुछ फिर मैंने जब थ्रिलर की वीडियो देखी <laughs> मेरा मैंने कहा यार ये क्या वीडियो है यार ये तो पूरी फिल्म है इफ़ यू रिमेंबर थ्रिलर इट वॉज लाइक और माइकल जैक्सन की सारी म्यूजिक वीडियो मैंने कहा यार मैंने म्यूजिक वीडियोज़ भी बनाने सो so, फिर बाकी ये जब म्यूजिक में एक दफ़ा आ गए और भाई भी आ गए तो मैंने कहा चलो बनाते हैं म्यूजिक वीडियोज लेट्स ट्राई आपने उनके जो सॉन्ग्स थे उनको डायरेक्ट करना शुरू किया yes, that's how I started. I started, पहले मैंने एक दो वैसी जब वीलॉग्स नहीं हुआ करते थे तब मैंने एक दो वीलॉग्स बनाए 2004-5 में फाइव में उस वक्त यूट्यूब था हाँ यूट्यूब के लिए यूट्यूब पर अपलोड किया कि वैसे ही अपलोड कर दी और आ, फिर आ, भाई का एक गाना था छोटे का उसने कहा मैंने वीडियो बनानी है मैंने कैमरा उठाया मैंने वीडियो बना दी

रे बिनैर सो उग एंड दिस इज वन ऑफ दोज सॉन्ग जो कि मेरा बैंड कहता था कि नहीं बनाना तेरे बिन वॉज अट्रेड बट माई बैंड नॉट वॉन्ट टू मेक दैट सॉन्ग सो मैंने कहा है इतना अच्छा गाना है तेरे बिन नहीं लागे जिया तो मैंने उजैर को बोला उजैर ने मुझे बोला कि कैन आई रिकॉर्ड इट कैन आई सिंग इट मन का करो मैंने तो रिकॉर्ड करना ही है और वो माशा कितना हिट हुआ में भी किया सारा कुछ सो उसने रिकॉर्ड कर लिया मैंने उसके साथ मिलकर रिकॉर्ड करवाया फिर उसने कहा अब इसकी वीडियो भी बनानी है तो मैंने नया नया कैमरा लिया था कैनन का मैंने कहा चलो चलते हैं मुझे याद है ईद आने वाली थी कि ईद मिलाद नबी आने वाली थी क्या था पूरे इस्लाम की डिफरेंट मार्केटों में ना वो लड़ियाँ लगी हुई थी तो हम जाते थे थोड़ा सा दूर खड़े होते थे कैमरे का लेंस ब्लर करके उसको Hmm. थोड़ा ऐसा वो लगता था पता नहीं क्या बस जीरो बजट में निकले और जाके वीडियोस बनाना शुरू कर दी कैमरा उठाया ड्राइंग रूम में बैठ के आखिरी शॉट तो लिटरली हमारे ड्राइंग रूम में बैठा हुआ शॉट है सो दीस आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी यूज्ड टू डू निकाला और वीडियो हिट हो गया वो वीडियो हिट हो गया गाना हिट हो गया आँ... जो जो म्यूजिक वीडियो की डायरेक्शन है राइट hmm. right? ये नॉर्मली एक गो में हो जाती है मतलब एक दिन आपने निकाला और आपने कहा कि यार मैंने इस म्यूजिक uh, वीडियो इसकी इस म्यूजिक की, इस की वीडियो बनानी है एंड देन यू ऑलरेडी हैव अ प्लान गाना गाया हुआ है स्टूडियो में एवरी थिंग इज रेडी देन यू हैव टू लाइक स्क्रिप्ट द लोकेशन या कहाँ कहाँ पर जाने देट कैन बी डन इन डे या इसको भी टाइम लगता है क्योंकि मूवीज़ का तो अच्छा खासा टाइम लगता है साल दो साल में भी बनती हैं बट म्यूजिक वीडियो यार वो उस वक्त तो बिल्कुल नहीं टाइम लगता था तो उस वक्त तो हम एक आध दिन की प्लानिंग करते थे कभी कभी नहीं करते थे निकल जाते थे बिकॉज मुझे सीखने का कीड़ा था ना कि सीखना है कि किस तरह करते हैं एडिटिंग सीखनी है किस तरह करते हैं कलर किस तरह ठीक करते हैं वो सारा कुछ सीखना था मुझे

तो मैं जाके डायरेक्टर के पीछे खड़ा हो जाया करता था जब शूट्स हुआ करते थे क्योंकि एजेंसी का काम ही एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम ही है कि वो क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं ब्रांड्स के एंड आई वाज वर्किंग फॉर अ ब्रांड लाइक जैज़ एट दैट टाइम जब मेरे ख्याल से आ, टेलको वॉर्स वर एट इट्स पीक तो आ, टेल, टे, वो एक बंदा एक ऐड निकालता था दूसरा बंदा उसके जवाब में एक ऐड निकालता था फिर पहला वाला उसके जवाब में तो हम एक महीने में तीन तीन चार चार कमर्शियल शूट कर रहे थे तो मेरे लिए वो इतना बड़ा लर्निंग कर्व था कि मैं शूट्स पे जाता था जब तो मैं जाके डायरेक्टर के पीछे खड़ा हो जाता था तो उसको शेडो करने लिया अच्छा चाहे क्या कैमरा यूज़ कर रहा है ये लेंस क्या यूज़ कर रहा है वो लाइट इसने क्यों लगाई है वो उस बंदे का क्या काम है उस बंदे का क्या सो एजेंसी फॉर मी वॉज लाइक फिल्म स्कूल बट और मैं साथ साथ में म्यूजिक वीडियोज करता था एंड आई आउट सो यू नो इट वर्क दैट वे फॉर मी बट किसी ने मुझे सिखाया नहीं हाथ पकड़ के कुछ डायरेक्टर्स थे जो कि बहुत अच्छे थे नाम मैं किसी का नहीं लूंगा जो कि मुझे कहते थे कि हाँ हाँ आ जा आ जा खड़ा हो जा साथ हो जा hmm. मेरी अभी भी उनसे बड़ी दोस्ती है और कुछ डायरेक्टर्स थे जो कहते चलो यार उतर जाके खड़े अपना काम पर hmm. तो

इज लाइक अ पॉइंट एंड शूट वो निकला सड़क पे खड़ा हुआ उसने कुछ भी नहीं है उसमें बट अब वो डिफरेंट वीडियोज भी कर रहा है बट वो जो कुछ वीडियोज नहीं थे डिफरेंट जूना का वीडियो अगर आप देखें तो वो एक ट्रॉली लेके एक स्टोर में घूम रहा है सो बट द सॉन्ग संगल्फ इज सो स्ट्रॉग कि वो बिक गया भाई आपका कॉन्टेंट अच्छा है तो वो बिक गया बिकॉज कोक स्टूडियो को भी अगर आप देखें ना ये जो मेरे ख्याल में आखिरी वाला सीजन था या आखिरी दो सीजन थे बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने आखिरी ने किया जो हाँ बड़ा आउट ऑफ़ द बॉक्स जाकर उन्होंने प्रोडक्शन किया उससे पहले एक स्टूडियो था जिसमें सारे टीम बैठी हुई है उनके शॉट्स आ रहे हैं yeah, really mm. uh, uh, आप uh, पुराने वाले जो आपके ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स mm. हैं कोक स्टूडियो मोर अबाउट फ्यूजन बट पीपलिंग टू इट या फिर उतना ज्यादा वो अब वाओ फैक्टर नहीं रह गया था सो so पिविटेड जुल्फी का उसमें बड़ा काम है कि उसने सोचा और कहा कि यार इस तरफ लेके जाते हैं नई पौध को लेके आया नए लड़के बच्चों बच्चियों को लेके आया उन्होंने गाने बनाए और हर गाने को एज अ म्यूजिक वीडियो ट्रीट किया सो आई थिंक आई टफ

अब उनके इट्स इट्स अ गैम्बल यू नो क्या चले क्या ना चले सो लाइक आई रिमेंबर वन आई वॉज डायरेक्टिंग वीलो साउंड स्टेशन जब वो फर्स्ट सीजन जो हुआ था मैंने फर्स्ट वाला किया था बिलाल के साथ सो दे लाइक वी वर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू काइंड ऑफ अ शो और पहले जो जितने भी शोज थे वो सारे कोक स्टूडियो की कॉपी थे कोक स्टूडियो चीज चल गया था वो सारे उसकी कॉपी मैंने कराए थे

उसको बहुत से चैलेंजेस भी थे वीलो के लिए बिकॉज इट अ टबैको कंपनी और निकटीन ब्रांड सो वो उसको पब्लिकली लाइक कोक स्टूडियो हर जगह प्रमोट करता है उस प्रमोट नहीं कर सकते क्योंकि उनके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन हैं कि वो किस तरह मार्केट कर सकते हैं बट इवन विद दैट वी हैड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ व्यूज जो कोक स्टूडियो ने अपना एक ब्रांड डेवलप करा और जिस तरह उन्होंने लेटेस्ट प्रोडक्शन को जो है आउट ऑफ द बॉक्स लेकर के आगे भी मेरे ख्याल में अब नया सीजन शूट हो रहा है आजकल ही हो रहा है

रीमेक्स थे, होते थे इसलिए तो so, so, मैं कह रहा हूँ बट्स एज पैशन आई वॉज अदर जुनेद ले कॉल के अंदर मैंने एक साल एज अ वोकलिस्ट बहुत कम टाइम हमने परफॉर्म किया एक दो कॉन्सर्ट की इस तरफ मैं इस्लामाबाद में तो था वो लाहौर में तो था बट जुल्फी तो हमेशा से यही करना चाहता था यू नो लाइक गेट गेट अ अ प्लेटफॉर्म मेरी बेसमेंट में उसने क्या किया अमेजिंग स्टफ़ गेटिंग किड्स एंड देन टेकिंग किड्स फॉर उनमें से बहुत से बच्चे अब कोक पे हैं जो कोक स्टूडियो का जो है कोई नियर बाई कंपेटिटर कह लें या सम बड़ी हु इज डूइंग द सेम लेवल ऑफ वर्क या सम बड़ी इज थिंकिंग यार हम भी करें आर यारि अदर लाइक ब्रांड्स लाइक स्टूडियोज कोक स्टूडियो के अलावा मेरे ख्याल में का एक बेस्मेंट बेस्मेंट था उसका कोई कंपैरिजन नहीं है कोक स्टूडियो के साथ ना कभी था लेकिन जुल्फी ने पहले वही किया था और उसके बाद वो कोक स्टूडियो में सो hmm. so, कहने का मकसद यह है क्योंकि उसका कंपेरिजन इसलिए नहीं है कि एक जगह आप दस रुपए की चीज़ बना रहे हैं और एक जगह आप हजार रुपए की चीज़ बना रहे हैं hmm. इतना फर्क है यू you नो know? और, और उसका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा भी बनता है क्योंकि उसी उस शो का उस प्लेटफॉर्म का जो एक चीज़ की हुई थी कि हमारा यूथ में कितना टैलेंट है तो वहाँ से बहुत से ऐसे म्यूजिशंस निकले यंग लड़के लड़कियाँ निकले जो कोक स्टूडियो में परफॉर्म कर रहे हैं हुआ नाउ मेन स्ट्रीम जो कोक स्टूडियो के लिए परफॉर्म कर रहे हैं जो कोक स्टूडियो के लिए आ, गाने प्रोड्यूस कर रहे हैं

उस तरह से देखते हैं तो uh, uh, किधर अपने एक गाने के ऊपर पच्चीस तीस लाख रुपए लगाएगा यू नो अच्छा उसके बाद उसको शोज मिलेंगे पैसा वहां से कमाएगा उसके बाद जो, जो उसके कॉन्सर्ट होंगे हाँ, हाँ, उसके बाद उसको जो ब्रांड इंडोसमेंट मिलेंगी वहां से कमाएगा अपनी एल्बम अगर रिलीज करता है जिसमें आठ दस गाने होते हैं कुछ रेवेन्यू रेवेन्यू नहीं, उससे, नहीं। उससे इतना पाकिस्तान आ आ गया तो थोड़ा बहुत जाता है, लेकिन पाकिस्तान में रॉयल्टी सिस्टम निकालता है निकालती है पहले होता था ना कि एक एल्बम आती थी उसमें बारह कैसेट या जो ट्रेंड था बट अब वो ट्रेंड खत्म हो गया अब आप बस एक वीडियो निकाल देते हुए गाना पहले जमाने में जब ये कैसेट्स सीडीज आती थी सिंगर्स की तो एट दैट टाइम दे वर लाइक मेकिंग अ पार्ट ऑफ दैट सेल राइट मोस्टली द द रिकॉर्ड लेवल मेकिंग और कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं था यू नो और उस so, वक्त तो बड़ी आसानी के साथ कॉपी भी हो जाया करती थी यार आप एक बेच तो उस सीडी वाला जो है पता नहीं उसकी सो कॉपियाँ निकाल लें और वो प्रिंट करा लें उसका जो स्टिकर so, कि हाँ, कि तो में को तो हमेशा से हद hmm. तो, हाँ, uh, well हाँ तक ये यूनिक है बाहर एक बहुत बड़ा मसला है ये तो है लेकिन रॉयल्टी का सिस्टम जो है ना वो पाकिस्तान में कोई नहीं है आपका गाना चलता है रेडियो पे टीवी पे आपको रुपया नहीं मिलता इज इट इज इट सेम इन इंडिया एज वेल नहीं नहीं इंडिया में आपको पैसे मिलते हैं रॉयल्टी मिलती है, है। mm -hmm. आप, दुनिया के हर कोने में आपको रॉयल्टी मिलती है अब कुछ मुल्कों में नहीं मिलती जहाँ पे इतने अच्छे इस्टेब्लिश वो नहीं है इंडस्ट्रीज नहीं है लेकिन पाकिस्तान में दे डोंट वांट टू फिक्स इट दे कैन फिक्स इट टुमारो बट दे वांट फिक्स इट दे वांट बिकॉज़ द इंडस्ट्री इज लाइक लीथल बहुत मुश्किल काम है ना मेरी बात सुने? एक रेडियो स्टेशन है है उसका काम सुबह से लेकर रात तक रेडियो स्टेशन जो है एयर टाइम बेचता है ठीक है न उसको एक्स वाई जी ब्रांड्स पैसे देते लेकिन अगर मैं कह कि मेरा गाना तुम नहीं चलाओगे क्योंकि तुम तो पैसे कमा रहे हो इस काम से ठीक है ना तो या फिर मुझे दस पैसा दे दो हर रुपये में से ठीक है या फिर मेरा गाना ना चलाओ क्योंकि यू मेकिंग मनी बट डू दे रिक्वायर यूर परमिशन टू प्ले शुड कैन यू लाइक कोई कॉपी राइट इन्फ्रेंचमेंट कोई इस तरह का आप कर सकते हो तो बहुत आसान काम है यानी कि मुझे एक बात बताओ ना मैं एक ब्रांड हूँ मैं एक ब्रांड हूँ इस लाइटर का हाँ? और मैंने जो है एशिया कप जो भी हुआ है उसमें मैंने 500 मिनट्स खरीदे हुए थे ऑन स्पोर्ट्स हाँ। सही है ठीक है ना तो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है पेमरा जो कि उसको रेगुलेट भी कर रही है और भी हैं देर आर कंपनीज के आपके अब मैंने स्पोर्ट्स को पैसे दे दिए लो यार दिस इज एक्स अमाउंट ऑफ मनी फॉर एक्स अमाउंट ऑफ मिनट टाइम और अब मैं अपनी तीसरी एजेंसी मेरी मीडिया बाइंग एजेंसी है मैं उससे पूछूंगा कि यार उन्होंने इतने मिनट्स चलाए भी हैं कि नहीं चलाए कोई एक बंदा बैठ के जो ब्रांड मैनेजर वो देख तो नहीं रहना एक दो तीन घिर तो नहीं रहा ना सो इट्स वेरी इजी इट इज वेरी इजी इसी तरह रेडियो के ऊपर भी है ना कि मैंने अगर रेडियो पे एयर टाइम खरीदा है तो जो मीडिया बाइंग कंपनी है जिसने मुझे रेडियो के ऊपर वो मिनट्स खरीद के दिए हैं मैं उसे तो पूछूंगा ना मुझे रिपोर्ट दो कितने बजे आई वाज इन जॉन्ग वी वुड गेट अ रिपोर्ट एड वॉज प्लेड हाउ मेनी टाइम्स इट वॉज प्लेड इन डे सो वही मीडिया बाइंग एजेंसी एक कंपनी अगर बनाए जो कि गानों को भी देखे कि भाई कौन कौन सा गाना चलाए तो सॉफ्टवेयर आगे जो कि गाने को रिकग्नाइज कर लेते हैं अगर इंस्टाग्राम के ऊपर आप थर्टी सेकेंड के ऊपर का कोई ऑडियो लगा देते हो तो उसके बाद उसको फॉरन पता लग जाता है आपको स्ट्राइक hmm. आ जाती है ट्रो येस yes. सो so, अगर रेडियो पे चल रहा है वही वाला सॉफ्टवेयर यहाँ पेट करो आपको बता देगा टक एक दफा चला टक दूसरी दफ़ा चला अब ये वाला गाना चला चला ये ये वाला गाना चला, अब ये वाला गाना सो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी कि यार नईम सिकंदर का गाना आठ दफा चला है ठीक hmm. है ना पर प्ले उनको दस पैसे देने वो अस्सी पैसे दे उसको आज के तो so, क्यों may, नहीं दे रहे इट मे बी समथिंग के जिस रिकॉर्ड लेबल के साथ आपने गाना रिकॉर्ड करवाया है तो रिकॉर्ड लेबल ही नहीं फॉर बट अगर अगर मैं बता दूं तो मसला क्या है हाँ मुझे मसला बताए यहां पर म... मैं एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट हूं जिसने लिखा कंपोज किया गाया भी म्यूजिक और यूट्यूब पर चढ़ा हुआ है स्पॉटीफाई भी, भी उसने डाल दिया एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है सही है स्पॉटीफाई आपको देता है ना पैसे हाँ बट अगर वही म्यूजिक आप आपको उठा लो आ, कहीं पे प्ले हो रहा हो रेडियो पे टी वी पे कहीं पे भी एयर टाइम में यार मराया कैरी का पता एक अमेरिकन सिंगर ठीक है हर क्रिसमस पे वो गाना गाना उसने छोड़ दिया हुआ है बहुत ही श्रिल सी बारीक सी वासी उसकी हर क्रिसमस पे उसका एक गाना चलता है एवरी क्रिसमस शी इज लेफ्ट सिंगिंग शी मेक्स अराउंड थर्टी मिलियन डॉलर्स जस्ट फ्रॉम दैट वन सॉन्ग प्लेइंग ओनली फॉर अराउंड अ मंथ और मंथ एंड हाफ बिकॉज इट्स द क्रिसमस सीजन यू नो सो रॉयल्टी का सिस्टम ही यही है आपका आर्टिस्ट आज कह दे आतिफ़ असलम राहत फतह अली खान अली अजमत वाइटल साइंस वाले वो ये जितने भी आपके मेन गाने आप देख लेना कि क्या ट्रेंड चल रहा है ये लोग सारे आए और कहें कि यार और मेरी बात हुई भी इनसे लाइक आई एम फ्रेंड्स विद ऑल ऑफ देम वो कहते हैं मसला यही है ये सारे आके बोलते हैं कि भाई हमारा गाना अगर आप चलाओगे ना चाहे वो टीवी पे चलाओगे चाहे वो रेडियो पे चलाओगे चाहे कहीं पे भी चलाओगे किसी फिल्म में इस्तेमाल करोगे किसी ड्रामे में इस्तेमाल करोगे हमें आप रॉयल्टी दोगे ठीक है ना वरना हम नहीं चलाएंगे सबसे पहले क्या बंद होगा रेडियो बंद होगा क्योंकि रेडियो तो सुबह से रात तक गाने चलाता है तो रेडियो क्या करेगा रेडियो कहेगा कि यार मेरे तो इतने पैसे ही नहीं कमाता कि मैं आपको भी पैसे दे दूँ तो मैं कहूँगा एज एन आर्टिस्ट कि यार आप अपने पैसे बढ़ा लो मैंने थोड़ी पैसे देने हैं ब्रांड ने देने अगर हाँ। वो टीवी को एक्स ऑफ मनी दे सकता है तो आपको भी दे सकता है पूरी दुनिया में ही होता है आप दस पैसे ऊपर मांग लो उनसे तो क्यों नहीं कर रहे कि आर्टिस्ट जब ये बात करेंगे ना हाँ। कि यार मेरे गाने बंद कर दो ना चलाओ तो एक नया आर्टिस्ट उठ के आ जाएगा कहेगा यार छोड़ो इनको मेरे गाने चलाओ बट वो आर्टिस्ट नया होगा उसकी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी फैन फॉलोइंग नहीं होगी आप लोगों का कोई और जो बड़े आर्टिस्ट हैं शायद उनको ये यही तो बात है यूनियन नहीं, नहीं है कहीं नहीं आ सकते ना <laughs> मसला यही है कि दे कैट कवर सिंगल पेज इवन द बिगर आर्टिस्ट देर से यार आई विल बी लूजिंग माई स्पॉट एंड एल्स विल बी प्लेंग

उसमें जो मैंने सोना इफ आई एम रॉन्ग इफ दैट कम्स बाय यू या आपने इसके बारे में कि वो लोग लेवरेज करते थे अपनी जो पे थी पर एपिसोड की बढ़ाने के लिए सब मिलकर आते थे कहते थे कि यार हम सबको आप इतना पे करेंगे बिकॉज द शो वाज़ सो पॉपुलर एंड दे वर लाइक चार्जिंग

एक साथ नहीं आते आर्टिस्ट हमारे पुराने अब तुम्हारा ये शो है नईम सिकंदर पॉडकास्ट ठीक है ना इस ये टीवी पे आने लग जाता है जब ये चल रहा होता है बहुत पॉपुलर हो जाता है इट बिकम्स अ फिन लाइक फ्रेंड्स बिकेम वन ठीक है ना पाकिस्तान में इस तरह कितने ड्रामे आ चुके हैं आ चुके हैं पास्ट में प्रेजेंट में अब वो वाले ड्रामे जब दोबारा चलते हैं तो क्या उन एक्ट्रेस को पैसे मिलते हैं जिन्होंने परफॉरमेंसेस ऑफ देयर लाइफ दी हैं आई डोंट थिंक सो नहीं किसी को कुछ नहीं मिलता क्योंकि रॉयल्टी सिस्टम नहीं है यहाँ पे आर्टिस्ट और आर्ट को तो मार देना है हमने या yeah, इंडस्ट्री बहुत बड़ी नहीं है बिकॉज़ आप जस्ट इंडस्ट्रीज के साथ इसका कंपैरिजन कर रहे हो ना एवरीथिंग इज फुल ब्लोन ओवर देयर इज कुछ तो दो अब जाके लोगों ने करना शुरू कर दिया है, बड़े हैं तो कहते है, अगर वो किसी ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कहते हैं भाई अगर आप ये एड दोबारा चलाएंगे ना तो आप मुझे दोबारा इतने पैसे देंगे विच इज राइट ऑन देयर बिहाफ दे शुड गेट पेड इफ, मैंने एक दफा तुम्हें साइन करके तुम्हारे साथ एक ऐड बना लिया हाँ, साल चलाता रहूंगा तुम्हें एक दफा के पैसे दिए हुए मैंने कॉन्ट्रैक्ट में हो जाए कि एक साल का है इसके बाद अगर दोबारा चलेंगे तो आप रीनिगोशिएट करेंगे और उसको मैं आपको छह महीने की इजाजत दूंगा उसके आप मुझे इतने पैसे दोगे फिर आगे में अगर आपने दो साल चलाना तो उसके मैं रीनिगोशिएट करूंगा आप मुझे इतने और पैसे दोगे और पैसे अप्रंट दोगे वरना आप ये ऐड नहीं चला सकते दोबारा मेरे ख्याल में बड़े आर्टिस्ट या एक्टर्स या जो भी मॉडल्स हैं जो कि इस किस्म के शूट्स करते हैं दे कैन लेवरेज दैट बिकॉज दे हैव द नेम बट बट शुड लेवरेज दैट देन अगेन वही वाली बात है ना आप नहीं करोगे तो दस और लाइन में खड़े हुए हैं दे विल टेक योर स्पॉट सो दैट इधर जो है ना एक एक चीज़ जो मिसिंग है वो आ जाती है कि ये जो सारी मैं बातें कर रहा हूँ ना मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इन चीज़ में ये वो बातें मैं कर रहा हूँ जो कि मुझे लगता है आपके okay, सब okay, के साथ साथ बड़े बेहतरीन आते हैं सम वे दर वे सब कहते हैं कि यार एक यूनियन बननी चाहिए और हम उस यूनियन का प्रेजिडेंट आपको बना देते हैं सही है हाउ यू वुड फेस दिस प्रॉब्लम शुड बी ऑन द सेम पेज आई एम टेलिंग यू एवरी आर्टिस्ट वोट भी ऑन द सेम पेज

दे वर कि यार राइटर्स को और पैसे मिलने चाहिए mm -hmm. प्लस ए आई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे मेक ऑन मूवीज एंड शोज एवरीथिंग एवरी थिंग एक्चुअल राइटर्स ओनली गेट टू सी स्मॉल उस तरह की चीज बहुत सी चीजें उसमें कुछ एक्टर्स भी हैं जो वो एक्टर्स भी हैं उनको पैसे, वो नहीं कह रहे कि हमें पैसे ठीक मिलने चाहिए एक्टर्स कह रहे हैं राइटर्स को पैसे ठीक मिलने चाहिए हम एक्टिंग नहीं करेंगे जब यहां किसी राइटर लाइक इज देयर लाइक यूनियन टाइप ऑफ सिचुएशन ओवर वाई ऑफ एम्पैथी नो बिकॉज अगर राइटर लिखना छोड़ देगा तो एक्टर क्या एक्ट करेगा यार मैं लाइने लिखना छोड़ दूं बट अगेन पर भी ये इशू नहीं आता कि राइटर्स भी बहुत हैं ये चले जाएं किसी और But राइटर को देखिए मैंने मैंने चले जाएं आप बाहर के किसी आर्टिस्ट को यहाँ पे लेके आएंगे ना hmm. और उससे काम कराएंगे वो अपने एजेंट को बताएगा और आप काम ही नहीं कर सकते जब तक आप यूनियन में इनरोल्ड नहीं है hmm. रजिस्टर्ड नहीं है यू कैन नॉट बी अनरिप्रजेंटेड एंड गेट ऑन टेलीविजन नो मैटर वट कैपेसिटी यूर ऑन यहाँ पे मैं एक्टर बनता हूँ ना आज mm -hmm. मेरे फुप्पा मुझे कहते हैं कि आज आके मैं जाए एक्टिंग कर दो तो मैं जाके खड़ा हो जाऊंगा मैं हिट गया बाहर आप ये नहीं कर सकते तो आपको ग्रास रूट लेवल पे सही करना है यू विल गेट एन एजेंट द एजेंट विल रजिस्टर यू विद अ प्रॉपर यूनियन और अ गिल्ड और एन एसोसिएशन देन यू कैन मतलब है यहाँ पर किसी किस्म की एसोसिएशन नहीं है किसी किस्म की रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है लो, बस... लोगों ने आपस में बनाई हुई है दोस्ती यारी में कोई कोई कुछ नहीं है और जिसमें दस बंदे हैं तो किसी में बीस बंदे हैं तो बस हर बंदे ने अपनी अपनी यूनियन बनाई हुई है यानी कि यार एक स्पॉट बॉय को क्या पैसे मिलते हैं यहाँ पे सबसे पहले आता है सबसे एंड पे जाता है तारे में समेट के एक शूट पे क्या पैसे मिलते हैं उसको हज़ार रुपये दाढ़ी मिलती होगी पे पे है ना और एजेंट्स का जो कल्चर है तकरीबन हर आर्टिस्ट का एजेंट है यानी ज़्यादातर जो है वो बस खुद ही नेगोशिएट करते हैं हाँ लेकिन वो सारे किसी एक इदारे से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड नहीं है ना अगर मैं एक लेट्स से मैं एक डायरेक्टर हूँ आप मेरे एजेंट हैं आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन से किसी इदारे से रजिस्टर होना चाहिए बट वो वहाँ पर जो बनी हुई है या हैं हैं या वो क्या है? गे, गे तरफ से है या? के अगर मैं यहाँ पर तरह फरहान ताहिर हैं आई टॉकिंग हिम अबाउट अ प्रोजेक्ट आई टोल्ड हिम दैट यू नो उसके इतने कोई पैसे नहीं होंगे क्योंकि आप हॉलीवुड के अंदर काम करते रहते हैं और हम दोस्ती यारी में एक प्रोजेक्ट कर रहे थे वो बहुत अच्छे इंसान हैं तो उन्होंने बताया कि जो भी होगा वी विल एजेंट और वो जाके उस एसोसिएशन को बताएगा ये इतने पैसों में ये काम कर रहा है और पाकिस्तान में कर रहा है इवन दो इट्स नॉट इन हॉलीवुड बट दैट एसोसिएशन रिप्रेजेंट हिम अगेन जो एसोसिएशन हैं वो वहां पर लोगों ने जो बाहर बनी हुई है जो इस्टेब्लिश्ड मार्केट्स हैं वहां पर क्या ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन होती है कि प्राइवेट इदारे भी प्राइवेट हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी हैं यानी कि वो उनको उनको प्रॉपर उनके राइट्स मिलते हैं उनको प्रॉपर एक

बेस्ट प्रोजेक्ट एवर बट ओकेबी जलेबी यू आर डायरेक्टिंग बट इट वॉजेंट सिनेमा पे चली थी सात आठ कंट्रीज में चली थी रिस्पॉन्स mm -hmm. mm -hmm. so, uh, कैसा था स्टोरी वाई यू आर नॉट कॉलिंग गुड सक्सेस बिकॉज उसमें बड़ी कमजोरिया थी mm -hmm.

क्रिएटर ऑफ़ द स्टोरी एंड द डायरेक्टर आई शुड कंट्रोल्ड आई डिट बहुत सी मिस्टेक्स हुई उसमें और इट डिट वेल बट डेंट डू अमेजिंग फिर मैंने सात आठ साल उन कमजोरियों पे काम किया uh, मुझे हर चीज़ को सीखने का शौक है कीड़ा है कि क्या अच्छा ये मेरी कमजोरी थी अच्छी चीज़ें भी थी उसमें में बहुत उनको मैंने एक एकसाइड पे किया जो बुरी चीज़ें थीं उनको मैंने एक एकसाइड पे किया जो बुरी चीज़ें थी फिर मैंने कहा मैं अपने आप को तो समझाओ ना कि होता क्या है तो आई वेंट थ्रू होल प्रोसेस ऑफ टीचिंग माई सेल्फ कर के सीखा भी और फिर नाउ आई एम मेकिंग माई सेकेंड फिल्म इट्स वि जस्ट अनाउंसड इट अ कपल ऑफ मंथ्स बैक उसकी प्री प्रोडक्शन चल रही है प्री uh, प्रोडक्शन में क्या होता है कास्टिंग की सिलेक्शन होती है कास्टिंग होती है ब्रेकडाउंस uh, बनते हैं बजट बनता है प्रोडक्शन डिटेल्स बनती हैं हर इसके कहाँ पे शूट होगी किस तरह शूट होगी क्या कपड़े होंगे क्या लोकेशन होगी वी एफ कौन करेगा आर्ट कौन करेगा यू नो प्रोड्यूस कौन करेगा म्यूजिक किस तरह का होगा ये सारी चीज़ें पहले से आपकी एक किताब बनती है जो कि फिल्म पहले एक किताब पर बनती है एक फिल्म का एक बाइबल बनता है पहले फिर उसके बाद वो प्रोडक्शन में जाती है तो आजकल वो बन रहा है जो जो उस स्टोरी की जो स्क्रिप्ट है जो फिल्म की जो स्टोरी है वो भी आप ही ने लिखी है या नहीं स्टोरी मैंने ही लिखी है अगर मुझे स्टोरी मूव किसी और की स्टोरी में बनाऊंगा तो शायद मैं उस तरह का मेरे अंदर है ये प्रॉब्लम कि आई नीड टू बिलीव इन इट 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 सेल्फ फर्स्ट फर्स्ट यू नो गुड स्टोरी स्टोरी कम्स आफ्टर रीडिंग गोइंग थ्रू आपको नहीं लगता हाँ, यार इट्स हाँ, ग्रेट उस तरह कर सकू लेकिन आई थिंक कि वो हर किसी का एक प्रोसेस होता है मेरा प्रोसेस कि मुझे आई कैन विजुअलाइज इट बेटर इफ़ आई कन्व इट सो वो उस पर काम चल रहा है अभी प्री प्रोडक्शन चल रही है अर्ली ट्वेंटी ट्वेंटी फोर विल इन टू प्रोडक्शन और इन एंड ऑफ ट्वेंटी फोर साल लग जाएगा हाँ साल लग जाएगा और पाकिस्तान में बननी है मोस्टली पाकिस्तान में प्रोड्यूसर का रोल होता है और जो एक डायरेक्टर का रोल होता है, oh. है, है, है डायरेक्टर जो इज प्रोड्यूसिंग इट यानी कि वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है या फिर uh -huh. वो, वो पैसे लगा रहा है इन्वेस्टर है फिर एक टेक्निकल प्रोड्यूसर होता है जो कि ऑन सेट प्रोड्यूसर होता है उसका काम ये होता है कि यार उसने डायरेक्टर से पूछा आपने क्या बनाना है ठीक है मैंने पॉडकास्ट बनानी है ठीक है ना तो अच्छा पॉडकास्ट में क्या चाहिए एक टेबल चाहिए कुर्सियाँ चाहिए ठीक है ना आप एज अ लॉजिस्टिक्स उसकी देखता है लॉजिस्टिक्स देखते हैं कौन सा बजट में हमारे बेस्ट माइक आएगा लाइट्स कौन सी अच्छी आएंगी उनकी क्या डील बनेगी जो लोग आने हैं उनको क्या पैसे देने हैं कौन सी टीम्स हायर करनी है क्या करना है मेरे से एक दफा उसने सारी चीज़ समझ के फिर वो चीज़ को ही यी टू पुट द शो टुगेदर सो इज एज इम्पोर्टेंट एज द डायरेक्टर एंड येज़ टू डू दैट विद इन अ रिस्ट्रिक्टेड बजट जो भी डिसाइड हुआ हुआ है उस फिल्म का या उस प्रोजेक्ट का कि यार इसको इस इन पैसों में करना है हर किसी की फ़ीस भी उसमें अलहदा करनी है हर किसी के उसमें हाँ जी ये वाला कैमरे पर शूट होगी इतने कैमरे यूज़ होंगे बाद में ये बंदा इसको एडिट करेगा ये चीज़ होगी तो वो हर चीज़ को वो एवरी स्टेप ऑफ द वे देख रहा होता है एक अच्छी मूवी बनाने के लिए अच्छा खासा बजट चाहिए या बजट में भी हो जाती है फिल्म? यार डिपेंड्स ऑन द कंटेंट ना आपने एक झोंपड़ी बनानी है कि आपने ताजमहल बनाना है नो mm -hmm. you know? कभी कभी आप uh, एक uh, गाड़ी है एक आपने मेहरान बनानी है आपने रेंज रोवर बनानी के like so, हर चीज के पीछे एक साइंस है mm -hmm. um, <coughs> दे स्टोरी शुड बी इन अस्पेसिफिक स्ट्रक्चर देर आर डिफरेंट वेज़ टू गो अबाउट दैट स्ट्रक्चर ये फिल्म स्कूल्स हैं और ये जो राइटिंग स्कूल्स हैं वो इन स्ट्रक्चर्स को पढ़ाते हैं हमारे यहाँ हम वो स्ट्रक्चर इतना पढ़ा नहीं जाता क्योंकि हम लोग एक ड्रामा इंडस्ट्री हैं हम लोग एक फिल्म इंडस्ट्री नहीं है तो हमने तेईस चौबीस तैंतीस पैंतीस किस्तों में कहानी सुनानी है और एक हमने डेढ़ घंटे में दो घंटे में सुनानी है उसके उतार चढ़ाव किस तरह होने चाहिए उसकी पूरी साइंस है उसको कितने हिस्सों में तकसीम करना है उसकी भी एक साइंस है तीन हिस्सों में करना है पाँच हिस्सों में करना है सो so, उसमें जो सबसे कॉमन चीज़ कॉमनली यूज है वो एक थ्री एक्ट स्टोरी स्ट्रक्चर है जो कि नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द फिल्म उसी स्ट्रक्चर के ऊपर फॉल करती हैं सो so, उसको किस तरह फॉलो करना है सो देर आर तरीके के आपने क्या करना है फिर देन पल्स क्या है यू you नो know, फिर किस चीज़ पे कितना पैसा लगाया जा रहा है यार यानी कि अगर आपने एक बंदे को उड़ते हुए दिखाना है कि आपने उससे रस्सी से टांग देना है या फिर प्रॉपर वीएफएक्स एफ एक्स करना है सो so, वो हर चीज़ का एक तरीका है करने का सो यू नीड टू अंडरस्टैंड के कौन सी चीज़ किस तरह हो सकती है आप अपनी तरफ से बेस्ट करें विद इन योर लिमिटेड बजट या फिर अगर आपको लग रहा है कि बजट बहुत ही लिमिटेड है तो फिर आप वो चीज़ ना करें अगर mm. आपको लगता है कि आप वो चीज़ ठीक नहीं कर पाएंगे तो फिर आप उसको ना चेड़े आप कोई और चीज़ कर लें एनी कंजर्वेटिव बजट फॉर लाइक जिसमें आप बहुत आउट ऑफ द बॉक्स वी एफ एक्स भी, भी यूज नहीं कर रहे हैं या ए लिस्टर्स को भी नहीं ले रहे हैं मुझे लगता है पाकिस्तान में ना फिल्मों फिल्में जो हैं वो Uh, सही बजट में नहीं बन रही hmm. कम बजट में बन रही मौला जैट एक फिल्म है जो एक सही बजट में बनी है सो so, आपको वो नजर आता है कि यार एक्टर्स पे पैसे खर्चे हैं hmm. सेट्स पे पैसे खर्चे हैं वी एफ पे पैसे खर्चे हैं एक्शन डायरेक्टर्स पे पैसे खर्चे हैं मार्केटिंग में पैसे खर्चे हैं सो so, वो हर चीज का एक हेड है जिसके ऊपर एक एम्पल अमाउंट ऑफ मनी लगा है यू नो सो 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 देन देन यू अंडरस्टैंड अब यही जो आप पॉडकास्ट कर रहे हो ये चार लाइटों के अंदर बल्कि बार बैठ के छत के ऊपर भी हो सकता है और हम लोग अपने फ़ोन के मोबाइल के माइक्रोफोन्स के ऊपर भी ये रिकॉर्ड कर सकते हैं और फोन के ऊपर बजाय के सारे हमने जो कैमरास लगाए हुए हैं इनके फ़ोन कैमरास पे भी कर सकते हैं जो अवेलेबल है बट क्या वो ठीक होगा ये डिसीजन आपने लेना है कि आपका कंटेंट क्या उस पर ठीक निकल आएगा हो सकता है ठीक निकल अगर आपको लगता है ठीक है तो फिर आप करें

बैकिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आपने उसको प्रॉपर दिए पैसे प्रॉपर लगाए हैं टैलेंट प्रॉपर लगाए लेकिन वो चले ना चले वो जो नॉट अप टू यू यू कैन थिंग्स कैन बी क्रिटिकली सक्सेसफुल एंड नॉट मॉनिटरिंग जिस तरह एक फिल्म बनी थी लाल कबूतर के नाम से सो so, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी फिल्म थी मैंने उसने पैसा कोई बहुत कमाल नहीं कमाया you know? बट कुछ चीजें होती हैं जो कि आपको पता होता है कि यार ये चीज हिट हो जाए मैंने अच्छा पैसा नहीं बनाया like सौ करोड़ हो गए दो सौ करोड़ हो गए शाहरुख खान तो एक बहुत बड़े एक्टर हैं वैसे ही सोशल मीडिया में, में मेरी नजर से गुजर रहा है पांच दिन में पांच करोड़ बना लिए छठा दिन छह सौ करोड़ बन गए सात सौ करोड़ बन गए See, मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में वैसे ही आपको जो है बहुत कोई इंटरटेनमेंट के एवेन्यूज नहीं मिलते हैं। क्या है आपके पास हम्म अगर आपने फैमिली के साथ एंजॉयमेंट करनी है तो ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग पे चले गए और डाइनिंग कर ली दैट्स इट और क्या एवेन्यूज हैं आपके पास पार्क चले गए हाँ. no... और इवन इन बिग सिटीज लाइक इस्लामाबाद कराची या यू हैव नथिंग हैथिंग यू हैव नथिंग देर इज सो अगर आप सिनेमा जाके एक फिल्म देख रहे हो एक तो पहली बात यह पैसा वसूल होना चाहिए स्टोरी अच्छी होनी चाहिए उसके अंदर वो सारा धूम धड़का होना चाहिए जो कि ऑडियंस को देखना है इसलिए मैं सोचता हूँ कि शायद मुझे कभी कोई सीरियस फिल्म नहीं बनानी चाहिए hmm. क्योंकि जब आप जाते हैं तो यू वॉन्ट अ रिलीज़ यू वॉन्ट बी फ्री फ्रॉम रियलिटी फॉर अ बिट एंड गेट इंस्पायर्ड एंड हैव फन यू नो सो वो एक पॉपकॉर्न फ्लिक होनी चाहिए और मज़ा आना चाहिए हंसना चाहिए वाह कहना चाहिए प्रोड्यूसर इतना आ, कह लें कि उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतना डेवलप नहीं हुआ कि वो जिस तरह आपने कहा ना ज्यादातर बजट ज्यादा, ज्यादा जो मूवीज है ना वो अंडर बजट रही हैं हाँ। अच्छा बजट उनके लिए एलोकेट नहीं हुआ प्रॉब्लम्स कहाँ पे आके फॉल करती है इन्वेस्टर या प्रोड्यूसर को शायद इस पोटेंशियल इंडस्ट्री पर शायद अभी उतना अतमाद नहीं है या पोटेंशियल तो है ना देखें आपकी आपकी ही एक फिल्म है ना हाँ जो कि पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट कॉस्टिंग फिल्म है मोलाजट सबसे ज्यादा पैसा उस पर लगा सबसे ज़्यादा पैसा उसने कमाया भी है ना सारे उसने बैरियर्स तोड़ दिए आपके लिए प्रोड्यूसर्स इट्स इंटरनेशनली और चार सौ करोड़ फॉर अट्ठसमेंट और अभी वो ओटी टी पे नहीं रिलीज हुई उसके अल्दा hmm. पैसे मिलेंगे एयरलाइन पे रिलीज होगी पैसे मिलेंगे टीवी पे रिलीज होगी लहदा पैसे मिलेंगे सो so, ये सारे एवेन्यूज अभी बाकी हैं उस फिल्म के लिए साल हो गया उस फिल्म को तेरह तारीख को मेरे ख्याल से तेरह अक्टूबर को रिलीज हुई थी पाकिस्तान में नंबर ऑफ स्क्रीन भी कम है अगर आप देखें हो गई हैं जब पहली फिल्म मेरी आई थी तो तब थोड़ी ज़्यादा थी अब थोड़ी कम हो गई हैं बिजनेस बंद भी हुए हैं कोविड के बाद भी काफी हिट हुआ है लेकिन देखिए ना अगर आप चीजें ऐसी बनाएंगे कि लोग जाके देखेंगे और बार बार देखेंगे तो फिर बिजनेस बनेगा यार बट नॉर्मली अगर हम स्क्रीन की बात करें ना जो नॉर्मली like, है ये ये इसका इन्वेस्टर अलग है या ये, यही थी? होते हैं कि यार पाकिस्तान में इस कुछ इस इंडस्ट्री को फरोग मिलना चाहिए रहे? कुछ है ओनर्स जो कि प्रोड्यूसर्स भी हैं बट दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट माय ओपिनियन हाउ बिकॉज हाउ मच मनी द फिल्म विल मेक ऑन स्क्रीन इज डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन देर शुड बी अ क्लियर लॉ आपको लगता है कि अगर अगर मैंने सौ रुपए का टिकट खरीदा है तो फिल्म मेकर को कितने पैसे गए हैं और सिनेमा वाले को कितने पैसे किए इसका एक कम इसका एक जस्ट और क्लियर सिस्टम होना चाहिए और इट शुड बी टेड मोर टूवर्ड्स द लोकल फिल्म मेकर यू नो और खुशी तो यार वैसे दूसरी बात यह है कि जब आप इंटरनेशनल मूवीज प्ले करते हो खैर बॉलीवुड की तो बैन है पाकिस्तान में इवन हॉलीवुड की अगर आप प्ले करते हो फॉर एग्जांपल टॉप गन या कोई अच्छी मूवी आप अपने सिनेमा पे लेकर आते हो वो आप एक तो लमसम डील कर करते हो और जो आप उनको कमिट करते हो वर्सेज अगर आपकी एक पाकिस्तान में मूवी बनी तो आपको लगता है आप उनको ज़्यादा कमिट कर रहे हो बिकॉज दैट इज़ कमिंग फ्राम हॉलीवुड और पाकिस्तान में अगर आएगा तो आप अगेन उसको जो है थोड़ा सा रगड़ा दोगे कि यार चलो अपना पाकिस्तानी पाकिस्तानी फिल्म का चक्कर ये होता है कि मैंने सौ रुपए का टिकट खरीदा है खैर पंद्रह सौ रुपए की वो मैं अंदर ताकि लोगों को समझ आ जाए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सौ रुपए का एक टिकट खरीदा है पचास रुपए सीधे सीधे सिनेमा ले लेगा हो सकता है साठ रुपए भी ले ले ठीक है ना फिर जो चालीस रुपए बचेंगे ना मेरे पास उसमें से दस पंद्रह परसेंट डिस्ट्रीब्यूटर ले लेगा hmm. तो मेरे पास क्या आएगा पैंतीस रुपए तीस रुपए भी मिल रहे हैं बट द नंबर ऑफ स्क्रीन आर इंक्रीज इन द कंट्री राइट इन साइड कंट्री तो रादर देन हैविंग टेन सिनेमा एंड चार्जिंग लाइक सिक्सटी रुपीज फॉर इट वन यू हैव हंड्रेड सीनेमाज एंड यू आर चार्जिंग लाइक फॉर एग्जाम्पल थर्टी फाइव रुपीज ऑनड्रेड एवरेज स्टिल यू आर गेटिंग बट वो दस से बीस और बीस से चालीस और चालीस से अस्सी तभी होंगे ना जब आप दस को पहले आ, फुली भर देंगे अराउंड आप एक ऐसी इंडस्ट्री में पैसा तो नहीं लगाओगे ना योर फ्रॉम कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड आप इस वक्त कंस्ट्रक्शन करोगे जब मार्केट बैठी भी है या तब कंस्ट्रक्शन करोगे जब मार्केट उठी भी है

छोटे शहरों में नहीं है हम तो सिर्फ दो तीन बड़े शहरों की बात कर रहे हैं हाँ छोटे शहरों से लोग मैंने देखा है इवन मैं आता था, था पिशावर से इस्लामाबाद मूवी देखने के लिए जब अच्छी मूवी लगी होती थी विद फ्रेंड्स के यार थोड़ी चिल आउट हो जाए हैंग आउट हो जाए इंजॉय हो जाए तो आई फील लाइक दैट देर इज अ डिमांड फॉर दैट देर इज आई थिंक देर शुड बी मोर स्क्रीन इन द स्मॉलर सिटीज़ बट इन द बिगर सिटीज़ आई थिंक देर एम्पल स्क्रीन राइट ना और उन्हीं को अगर हम ये राउंड भर लेंगे hmm. तो बहुत होगा और अगर हम थोड़ा सा इसको बैलेंस कर लें कि प्रोड्यूसर को कितना जाता है और सिनेमा को कितना जाता है और एक 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 वही बात है एक गिल्ड बन जाए एक एसोसिएशन बन जाए जो कि इस चीज़ को वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड कर ले तो वो उससे हर किसी का फायदा होगा आपको क्या लगता है दिस इज काइंड ऑफ

लेकर पैसे देकर मूवी देख लिया उसके बाद आप उस पर कॉमेंट्री करोगे मूवी अच्छी नहीं थी एटलीस्ट यू हैव पेड फॉर इट अप फ्रंट उसके बाद आप ये कमेंट्री जाकर करोगे सही है मे बी आप दो तीन दोस्तों को बता दो यार मजे की नहीं थी रहने दो यार बट स्टिल पहले आप पैसे दोगे उसके बाद उस पर कॉमेंट्री होगी सबसे, सबसे बड़ी बात यह है कि आप को रिगार्डलेस फिल्म अच्छी नहीं होगी तो नहीं चलेगी लोग बुरी फिल्में बनाना बंद कर देंगे आपके मुल्क में अगर आप दो पहियों वाली गाड़ी निकालेंगे ठीक है तीन पहियों वाली गाड़ी निकालेंगे चाहे आप जितनी मर्जी निकाल लें वो हो सकता है दस बिक जाएं बीस बिक जाएं सौ नहीं बिकेंगी यू you नो know? उसके मसले सामने आ जाएंगे वो साइड पे खुद ही हो जाएगा और जो अच्छी गाड़ी है वो अपनी जगह ले लेंगी करोड़ रुपए की सिविक से बेहतर है कि कल जो एच निकली है एक लाख सैंतीस एक करोड़ सैंतीस लाख की ये यह, वालों ने निकाली है गाड़ी जो कि जो कि बहुत सारे लोगों के बजट से बाहर है बट वट आई एम ट्राइंग टू से जब आपको एक करोड़ सैंतीस लाख की एस मिल रही है एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड ब्रांड से विच इज नॉट ट्राइंग टू से इज वैल्यू फॉर मनी आप देखोगे ना हज़ार रुपये मैंने उस पर भी खर्च करना है टिकट पे हज़ार रुपये मैंने बुरी फिल्म पे भी खर्च करना है जो बुरी फिल्म होगी वो नहीं चलेगी फिर लोग बंद कर देंगे उसको देखेंगे मुझको संभाव लगता है ना कि और लोग बनाना मेरे ख्याल में लोग जो मुझको लगता है शायद मेरी ना अली हो या इस इंडस्ट्री के बारे में मेरी समझ ना हो आपको पहले मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ उसमें मिक्स ऑफ गुड बैड मीडिया ऑकर एक्सलेंट मूवीज़ होनी चाहिए फॉर के पता लगे कि यार अब पाकिस्तान में मूवीज़ वाफर मकदार में बनना शुरू हो गई हैं वो तब लेकिन अगर आप सिर्फ क्वालिटी के पीछे रहोगे कि यार अच्छी से अच्छी मूवी बनानी है और उसके बाद हम सोचेंगे और जब लोग कम पैसों में मूवीज बनाते हैं और बड़ी अच्छी मूवीज बनाते हैं ऐसा ऐसा मसला नहीं है क्वालिटी कुछ मूवीज़ होती हैं जो कि मायनी खेज होती हैं जिनका इनका मैसेज होता है बात वही है स्टोरी टेलिंग की जिस तरह हमने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की थी कि गाने का कॉन्टेंट आप क्या रखते हो क्या नहीं रखते हो बीट क्या रखते हो लिरिक्स क्या रखते हो वो नहीं है क्लिक कर गई तो कर गई मूवी भी क्लिक कर गई तो कर गई बट द थिंग इज दैट यू आर नोवन टू डिसाइड कि वो अच्छी है या बुरी है द पब्लिक विल डिस आपने उसको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है दैट इज इट एज अ प्रोड्यूसर और एज अ डिस्ट्रीब्यूटर और एज अ एक्जिबिटर जो कि सिनेमाज हैं आपने एक लेवल प्लेंग फील्ड देनी है कि डॉक्टर्स ट्रेंज आ रही है और ये फिल्म आ रही है मैं डॉक्टर्स ट्रेंज को ज्यादा शोज ना दूँ मैं सबको इक्वल शोज दूँ और जिसके टिकट ज़्यादा बिक रहे हैं मैं फिर उसके शो ज़्यादा कर दूँ दूसरी ये कम कर दूँ hmm. समझ रहे हैं बजाय कि मैं तीन शोज हाफ ऑक्यूपेंसी पे चलाऊँ मैं दो शो ऑलमोस्ट फुल ऑक्यूपेंसी पे चला लेता हूँ और डॉक्टर ट्रेंच जिसकी एक, एक एक्स्ट्रा बुकिंग जा रही है कि टिकट खत्म हो गया और अगर हमारी फिल्म अच्छी होगी तो डॉक्टर स्ट्रेंज खाली हो जाएगा ठीक है और एम सेंग सो यू शुड गिव एवरी वन दी एक अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी बट अगेन वही वाली बात है कि अगर सब मूवीज अच्छी होंगी तो सही है इस वीकेंड पे मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज देख ली अगले हफ्ते दूसरी मूवी अच्छी आई मैं वो भी देख लूंगा और आपका बिजनेस बढ़ेगा आपका बिजनेस बढ़ेगा हाँ, और आपके थिएटर्स फुल रहेंगे ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है कि सारी फिल्में जो लगी होती हैं वो अच्छी होती हैं ईद पे मोस्टली ये जंग लड़े होते हैं सारे के यार ये बाहर की फिल्में भी आ रही हैं ये फिल्म भी आ रही है वो फिल्म भी आ रही है यू नो इट्स इट्स ऑल गोइंग थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट

साल में कितनी बार की फिल्में आ जाती हैं दस सही है अगर पाकिस्तानी फिल्में ज्यादा आने लग जाएंगी अगर आप उनको इंसेंटिवाइज कर दोगे कि यार देखो हम हर टिकट में से ना एज एन एग्जीब्यूटर में बड़ी आइडियलिस्टिक बात कर रहा हूं एज ए सिनेमा में कहता हूं यार आप फिल्म लेके आओ मैं सत्तर रुपए आपको दूंगा और तीस रुपए खुद रखूंगा एज एन इन्वेस्टर मुझे थोड़ा सा तो थो आएगा ना बिल्कुल लेकिन आएगा। के यार चलो ये देखो मुझे हेल्प कर रहा है क्योंकि मुझे पता है कि मेरी फिल्में तो सारा साल चलनी है पाकिस्तानी फिल्में तो ये राउंड चलनी है अगर वो एक कल्चर प्रमोट हो गया तो पाकिस्तान uh, में जो आर्टिस्ट uh, like है थोड़ी परसेंटेज के वो कहते हैं बट yeah, yeah, mm -hmm. इतना अभी तक हुआ नहीं है पाकिस्तान में नॉट हर्ड ऑफ बट फ्लैट फी पे चल रहे हैं एक दफा कर लीरा अभी जो वही वाली बात है कि आपके एलिस्टर्स को भी अपना इतना अहतमाद नहीं है कि यार जो ये ये इन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं शायद हिट भी कर जाए या नहीं हाँ, तो जो है पहले ले लो। वो पहले ही ले लो <laughs> पहले, पैसे पहले पढ़ लो hmm. तो ये ये हर जगह यही है ah, well, so के यार ये इंडस्ट्री किसी ना किसी तरीके से हर एंगल से

Thank or so those who want to know more about you, get in touch with you. Where socially you are active? I am uh, mostly active on Instagram. I mm -hmm. think that is the only place. That's the only. I'm not on TikTok. I don't use Facebook much. Uh, Instagram is the only place they can just look for me and uh, yeah. Yes, yeah, sir. Name. It was pleasure talking to you. Bohut yes. करने को तो हम एक दो घंटे और भी कर सकते हैं लेकिन ये भी खाली ना हो जाए इज़ द फर्स्ट टाइम आई स्पोक आ, स्मोक ऑन द कैमरा अदरवाइज अब ये घर जाकर पता लगेगा कि बेगम जब ये वीडियो देखेगी तो <laughs> मैं किस तरह इसको हैंडल करूँगा बट अगेन यासिर भाई जो कि इंस्टाग्राम यूज करते हैं इनका सोशल होगा डिस्क्रिप्शन में मुझे पता है कि आप लोगों को ये सिगरेट वाली हरकत जो है थोड़ी सी बुरी लगी होगी मुझे पता है कमेंट सेक्शन में थोड़ी गालियाँ भी पड़ेंगी बट हम बर्दाश्त कर लेंगे अदर देन इसका स्मोकिंग का विच आई डोंट एंडोर्स एट ऑल इट वाज लाइक जस्ट बीइंग इन द मोमेंट विद यू एंड आई एंजॉय द कन्वर्सेशन इट वॉज अ प्लेजर थैंक यू और इसके अलावा अगर कोई कॉमेंट्स हों अच्छे हों बुरे हो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपना ख्याल रखिएगा आपसे मुलाकात होती है अगले पॉडकास्ट में